नेटवर्क कहीं है नहीं गवर्नमेंट के पास, तो हम उनको ऐसा इंडिपेंडेंट बनाते हैं, अलग अलग क्षेत्र की ट्रेनिंग हम उनको देते हैं ताकि अपना कोर्स करने के बाद इंडिपेंडेंटली वो अपना जीवन जी सके, जिसमें हम उनको ट्रेडिंग सिखाते हैं, क्रिप्टोनॉमिक्स सिखाते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैसे बनते हैं वो सिखाते हैं, हम उनको मेटावर्स की ट्रेनिंग देते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी और फ्यूचर कैसे वो बनाएगी आगे चल के, इन सभी नए चीज़ों का ट्रेनिंग हम एक नए समाज को देना चाहते हैं और बहुत अच्छा सक्सेस मिल रहा है और मैं चाहता हूँ आप भी इसको थोड़ा वायरल करो, क्योंकि अब कागज़ों से बाहर आना है, भले वो आप किताबें पढ़ रहे हो या पैसे आज जो मार्केट में खर्चा हम कर रहे हैं, कागज़ की दुनिया खत्म होने वाली है, डिजिटल दुनिया में हम सबको अवेयर होना पड़ेगा और सबको अवेयरनेस देना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे काफी अच्छा लगा कि ये 26 और 27 जनवरी ये जो दो दिन इन्होंने कार्यक्रम किया, कम से कम सैकड़ों बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आज सबसे ज्यादा जरूरत है, हम लोगों को तो अवार्ड मिल जाते लेकिन बच्चों के बारे में और कोई सोचने वाला नहीं है, लेकिन विनय सिंह जी ने ये जो कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया है कि जितने भी बच्चे ने कल पार्टिसिपेट किया था सबको सर्टिफिकेट और सबको कुछ ना कुछ प्राइज दे के सबका मनोबल बढ़ा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जो प्रोग्राम है आज जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम देखा, सुरक्षा हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी का जो प्रोग्राम था, कल भी एक प्रोग्राम था 26 जनवरी के अवसर पे और आज भी प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। आज मालवनी के सर जमीन पे इतने बड़े स्टार लोगों को लाना, इतना सब इकट्ठा जमाना, यकीनन विनय सिंह जी का और उनके टीम का मैं बहुत 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 जितना तारीफ करें उतना कम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत इससे कोई समाज में अच्छा एक अवेयरनेस जाएगा कि बच्चों के लिए कुछ काम हो रहा है, कोई संस्था काम कर रही है, तो मैं उनका विनय सिंह का और उनके टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हेलो, मैं हूँ आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर और आज मैं आया हूँ मलाड़ मालोनी, सुरक्षा हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन जिसके प्रोप्राइटर है हमारे विनय सिंह साहब और एंटायर टीम, जिसमें हमारे जावेद साहब भी है और बहुत से लोग इससे जुड़े हैं और ये जो भी काम करते हैं 26 जनवरी के मौके पर भी ये एक शो भी करते रहते हैं और साथ में गरीब बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, गरीब अभी के कैलेंडर का लॉन्च भी हो रहा है उनका सुरक्षा के नाम से और यहाँ जो गरीब बच्चे होते हैं उनको राशन से लेकर कॉपी किताब से लेकर एजुकेशन का भी ख्याल रखते हैं, तो जहाँ इस तरह के एनजीओ चलते हैं वहाँ हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और हमारे हाथ से भी कई लोगों को ये दिया गया है, ट्रॉफी दी गई, अवार्ड दिए गए। सही बात में आज अवार्ड्स रखा था इन्होंने, जो बच्चों ने लाइफ में कुछ किया है, छोटे छोटे बच्चे ने मैसेज दिया है कि मोबाइल से क्या क्या रेडिएशन फैलता है, तकलीफ होती है, जो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी उसमें नारा दिया गया है और उसके बाद में के बारे में शराब के बारे में जो बच्चों ने ड्राइंग बना करके लाए वो अपने आप में एक मिसाल है, उन बच्चों का मैसेज देखकर मुझे बहुत खुशी। और हमारे साथ दिलीप सेन साहब थे, उसके बाद में हमारे नाफे साहब थे और उसके बाद क्या बोलना चाहिए, मुझे भी वो मिला है, मुझे भी अवार्ड से नवाजा गया है और ऐसे सर्टिफिकेट हमारे हाथ से बच्चों को दिए गए हैं, तो ये होते रहना चाहिए, बच्चों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए, सराहते रहना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी आदत सीखे। और मोबाइल ऐसी चीज़ है दोस्तों, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ सभी को, बड़ों को, वो ये है कि मोबाइल इतनी डेंजर चीज़ है, अच्छी भी है बुरी भी है, उसमें ज्ञान भी है उसमें बुराई भी है उसमें गंदगी भी है आप, लेकिन बच्चों के हाथ में एक बार जब चीज चले जाती है तो बच्चे तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, उसमें गलत चीज़ देखने लग गया तो फिर वो उसी तरह मुड़ जाता है। सो प्लीज़, तो अपने बच्चों को मोबाइल के रेडिएशन से खुद भी बचे, बच्चों को बचाएं, परिवार को बचाएं और क्या बोलना चाहिए कि मोबाइल जो बच्चों के हाथ में हम दे रहे हैं 20,000 15,000 का मोबाइल बच्चों के हाथ में हम प्यार में दे देते हैं, लेकिन बच्चा इतना जुड़ जाता है कि वो स्कूल नहीं जाता है। तो प्लीज़, मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को रोकने के लिए मोबाइल पर पाबंदी रखें, बच्चों के हाथ में ना दें, उसमें अच्छी चीज़ें भी आती हैं गंदगी भी आती है, बच्चा तो होता ही गीली मिट्टी की तरह, बच्चा कभी भी बिगड़ सकता है और इसके रेडिएशन से बचें, बस इतना ही कहूँगा।